कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की एक वीडियो के बाद हम आपको बीजेपी के वो नाम लेके आए हैं जिन पे मोहर लग चुकी है, सिर्फ घोषणा करना बाकी है। 21 वो उम्मीदवार जो कन्फर्म है और कई कुछ उम्मीदवारों के वो नाम है कि आपको चौंका देंगे, क्योंकि पार्टी कांग्रेस और बीजेपी में उनके नाम सबसे आगे चल रहे हैं। दादरी से सतपाल सांगवान को जो बीजेपी ने मुहर लगा दिया, सिर्फ घोषणा बाकी है। पंचकुला से रणजीत मेहता, हिसार से सावित्री जिंदल, कालका चंद्रमोहन बिश्नोई जो कांग्रेस में है उनका नाम पैनल में भेजा गया है, खरखोदा पवन कुमार समालखा, संजय चोखर, फतेहाबाद गोविंद कांडा, नूह से जाकिर हुसैन जो हरियाणा पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं, बड़खल सीमा त्रिखा, नलवा रणवीर गंगवा को और बड़ौदा भूपेंद्र मलिक, बहादुरगढ़ से अरविंद शर्मा, रतिया से सुनीता दुग्गल। पहले बात करें रतिया में जो सांसद सुनीता दुग्गल थी, पूर्व सांसद, उनका टिकट है जो लोकसभा सिरसा से काट दिया था, तो रतिया से उनको टिकट मिलना लगभग फाइनल हो चुका है। तिगांव से राजेश नागर, घरोंडा से अरविंद कल्याण, बादली से ओम प्रकाश धनखड़, बादशाहपुर से जवाहर यादव, अटेली से आरती यादव, कोसड़ी से भी आरती यादव का नाम आगे चल रहा है, उचाणा से आपको बता दें देवेंद्र अत्री, और अगर बात करें टोहाणा से भी दो नाम गए हैं, सुभाष बराला जो मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं, और बड़ा एक धमाका कहीं न कहीं हो सकता है कि जो निशान सिंह हैं, जेजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस में जो अपने टिकट की ट्राई के लिए निकले हुए हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस उनको टिकट दे, लेकिन किसी भी समय जो नाम भेजा गया है, हो सकता है कि निशान सिंह बीजेपी की सीट से भी चुनाव लड़ दें, क्योंकि जो बीजेपी की कोर कमेटी के अंदर जो रिपोर्ट गई है, फाइनल जो नाम है, उन दो नामों पर मोहर है, सुभाष बराला और निशान सिंह, इनमें से किसी को टिकट, अगर निशान सिंह को कांग्रेस की टिकट नहीं मिलती तो हो सकता है, क्या पता वो बीजेपी में भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। आपको हमारी छोटी सी रिपोर्ट कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें।